यहाँ पर प्रोग्राम एक चल रहा है, वर्ल्ड हेल्थ डे आया था सुबह मुझे मैसेज, मुझे लगा था वही है। कहेंगे सीधा हेलमेट में अंदर चौदह अच्छे और छत पर यूज सुबह काल वा जाला। तो गाइज अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो इस वक्त हम अपने कॉलेज में हैं और मेरे साथ जैद भाई है। इन्होंने कल कुछ बोला तो आज हम वही करेंगे। तो आपने क्या बोला था कल? ना हंस क्यों रहे, बोला था? नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला था। मैंने बोला नेक्स्ट वीडियो का आएगी, थोड़ी एक्साइटिंग होनी चाहिए वीडियो, मजा आए जिसमें। तो इंशाल्लाह आज हम मजा करवाएंगे आपको, तो आप तब तक वीडियो पर बने रहें। तो हमारे भाईजान भी यहाँ पर ये आने नहीं चाहते थे, हमने जबरदस्ती लाया, तो स्टे कनेक्टेड। तो अभी हम किसी का इंतजार कर रहे हैं, वो भी आ जाएंगे तो फिर मजा थोड़ा और ज्यादा बढ़ जाएगा। तब तक वीडियो पर बने रहे। A few inches later, तो दोस्तों हमारे से तीसरा बंदा भी जुड़ चुका है, आप इसे जानते हो जानते हो ना, हमारा पिछला जो वायरल वीडियो हुआ था, बनने की वीडियो बहुत ज्यादा वायरल होगी। आप जिस तरह से प्यार दिखा रहे हो, तो रमेश भाई ने हमें रोका, इन्होंने बोला था कुछ। रमेश भाई आप क्या बोलना चाहते थे? बहुत कुछ बोलना चाहता था, जबान ही नहीं रही। क्यों, क्या हुआ? मेरी जबान टूट गई, मेरी जबान फिसल गई, मेरी जबान टूट गई, माफ कर दो। नहीं, आप जैद के बारे में कुछ बोलना चाहते थे? जैद के बारे में? हाँ, जाहिद हो, सॉरी सॉरी। हमारे जाहिद साहब कॉलेज से घर गए थे, उन्होंने घर में बैग छोड़ा। हाँ, बैग छोड़ के नमाज, बैग छोड़ा नहीं, बैग लगा था, बैग लगा था, बैग लगा के गए थे। हमारे जाहिद साहब मस्जिद में नमाज पढ़ रहे, हमारे देश के कानून के रखवाले है इधर, ये नमाज पढ़ के बाहर आया तो इस पुलिस वाले ड्राइवर ने इसको हाथ मिलाकर अपने साथ ये बड़े काम है थोड़ा सा। वो काम कहा था, वाजरा में बिठा के थाले में पहुंचा क्या थाने में? थाने लगे, थाने में पूछता है बंदा, बोलता है भाई आपको किस लिए लाया? मैंने बोला हेलमेट नहीं लगी। बोला अच्छा। मैंने बोला हाँ सर, कल से जब आप भी पैदल चलेंगे तो हेलमेट लगा के चला। तो मस्जिद से निकला था रिसेंट, मस्जिद से बाहर जो ही निकला मैं, तो वहाँ दो पुलिस वाले आए, एक ने हाथ मिलाया, बोलता है आजा काम है, काम लेके थाने पहुँचाया। अच्छा अच्छा, थाने में खातिरदारी कैसी हुई? नहीं, थाने में किसी ने वहाँ पूछा, उनने उसको फिर वहाँ पे पुलिस वाला था जिसने उठाया था, उसको पूछा मतलब ऐसे नहीं लाओ उठा के, तो कहा छोटे छोटे बच्चे भी थे उसमें यार। पढ़ी है मेरे पास वीडियो, पढ़ी दिखाऊंगा, अभी वो किसी के पास नहीं है। चलो, पर वो वायरल नहीं करनी है। अच्छा, तो रमेश भाई को जवाब मिल गया? बहुत नहीं, आप मुझे बोला आपके इसको नसीहत करोगे? हम यही नसीहत, नमाज पढ़ो, गर्मी अंदर करके। हमारे देश का कानून इतना खतरनाक है, इबादत पे भी पाबंदी लगा रहा है, जबरदस्त है हमारे देश का कानून, आप देख क्या रहे हो? अभी क्या है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। रमेश भाई यहाँ पर क्या प्रोग्राम चल रहा है? सुबह मैंने देखा था वर्ल्ड हेल्थ डे है, तो यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ हेलमेट बांध रहे बच्चों को, बहुत खतरा है यहाँ एक्सीडेंट होने से। वहाँ से हेलमेट दो, वहाँ से उठा के ले जाओ। अच्छा, लोगों को एक्सीडेंट नहीं होता, वो भी रोड साइड रोमियो के नाम पे। ये हमारे यहाँ पर हवलदार छोटे छोटे हवलदार, ये हमारे रमेश भाई जो रमेश भाई को मैंने बोला परसों मुझे उठा के लिए, आज आप हेलमेट पकड़ना, कल से हेलमेट लगा के आया करना कॉलेज, मतलब पैदल चल के हेलमेट लगा दे। हाँ, आज से मतलब ऐसे ऐसे मासूम बच्चों को उठा के ले जाते, अब हमें पैदल भी हेलमेट लगाना पड़ेगा। और पहले हमें कौन सा हेलमेट है, क्रिकेट वाला की? नहीं, कोई नहीं, हेलमेट चले नहीं, बाइक वाला हेलमेट नहीं, नहीं, क्रिकेट में शक्ल भी दिखनी चाहिए ना, फिर आप क्रिकेट का नहीं लगा। अच्छा, पथराव अगर क्रिकेट क्या करो? पथराव हम वो तो अलग मसला है, कहेंगे सीधा हेलमेट में अंदर चौदह अच्छे और छत पर यूज सुबह काल वा जाला। मलन जी, मलन कैसे ने यूं हेलमेट सीट में मेरा नाम लिख दिया है, मुझे पढ़े इन मेरा नाम लिखी देती है बिटला ला ऐसे का स्वाद ऐसे पैदल पकने से पैदल नहीं रेट था वही के स्टेशन पकन पकन दे हेलमेट ला कोक नहीं उतर है बातें बिटला हो जी वीडियो बना सकते हैं यार थाड़ी छोड़ दियो टी। आज मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आज पूरे दिन रमेश बोलेगा। आज का दिन तेरे पास है, जो बोलना है बोल। खर्ज इनके बुझे असल पे आज 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 असल पे
गाइस गाइस इस वक्त हम कहाँ पर खड़े हमें पेड़ के नीचे खड़े नाम क्या है पेड़ का पता नहीं बने हमारे प्यारे हवलदार देख सकते ये मुझ कूद खुश थी ऑर्गेनाइज करने वाली थी कैसे थे खुश खबर हेलमेट बिल्कुल रेड ही शायद रेड टू प्ले रेड और रेड बिल्कुल रेड बुजलु चावल हेल्थ आज आप हमारी आवाम को फिर से बोलो ये क्या चल रहा है यहाँ पर प्रोग्राम एक चल रहा है वर्ल्ड हेल्थ डे आया था सुबह मुझे मैसेज मुझे लगा था वही है यहाँ पर देख रहे हैं हेलमेट का बांट रहे हैं यहाँ पर हेलमेट बच्चों में हेलमेट का भंडार अगर उनको एक्सीडेंट नहीं होगा ये जबरदस्ती कराएंगे वैसा इरादा लग रहा है मुझे इनका हेलमेट का भंडार है आपको फोन आया पहले आप फोन उठाए तो देखिए आज हमारी कोई क्लास नहीं यहाँ फंक्शन चल रहा है और हमारे जाहिद भाई हमारे आतंकवादी जो है ना वहाँ पर पबजी खेल रहे हैं जाहिद भाई अभी चलाता तू आतंक का दूसरा नाम नहीं यार पहले तो ऐसे ही चलती थी ना तब बीजीएमआई आतंक का दूसरा नाम देखिए देख आतंक खत्म कर दिया वहाँ से तो आप खेले हमारी क्लास है इस वक्त ठीक है इस वक्त हमारी सिर्फ एक क्लास लगेगी यहाँ प्रोग्राम था पुलिस वालों का वो अब शिफ्ट हो गया हाल में यहाँ धूप बहुत ज्यादा थी तो हम वहाँ नहीं जाएंगे हमारी एक क्लास लगेगी हम पहले क्लास पढ़ते हैं फिर देखते हैं आगे क्या होता है तब तक वीडियो पर बने रहे A few moments later. And thank all of you for giving us precious time. For this event जो हमने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत ये बहुत सारे प्रोग्राम जो पुलिस ऑर्गेनाइज कर रही है बट ये आज का जो है ये स्पेशली ब्रदरहुड के लिए है जिसमें बिच्छू साहब के आई फ्लैग्स टू एलिमिनेट ऑल सोशल इवेंट्स एस्पेशली वर्क against drug addiction. I pledge to minimize the gap of misunderstanding between the communities. I pledge to involve youth and general masses. 1 hour later. तो कॉलेज के बाद इधर घर आ गया तो क्योंकि थक बहुत गया था तो रमेश वहां से चला गया घर और आपको मैं दिखाऊंगा एक चीज ये देखिए जी क्या कर रहा है हाँ ये क्या कर रहे थे मेरा सारा क्रिकेट का सामान लगाया है इसने ये नेट तो पता है अच्छा ये क्या लगाया एक ही सलाम वालेकुम ठीक हो ये मेरा मामू का लड़का है मामू तो लड़का ये मेरा भाई है मेरा भाई ये मस्त बंदा है तो हम पहले नमाज पढ़ते हैं पहले हम कपड़े निकालते हैं नमाज पढ़ते हैं उसके बाद हम फिर आपसे मिलते हैं बाय बाय करो बाय बाय करो बाय बाय कर बाय 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 बाय